हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेट्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 1 hour 33 minutes और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 million और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 million। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टाइलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक AI सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सैन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉटेनेब एज हारून एंड AI सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्र्यू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक MC ब्राइड अ सोल्जर इन द US आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज शिपली अ सोल्जर इन द USA आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्र्यू AI सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए AI को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग AI को अपनाना अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के AI प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी
नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल हॉवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मेंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज सिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज अ जनरल एंड्रू अ जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू एआई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाना अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य
वास्तुकार निर्माता की हत्या करना है, जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नोमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया, और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी, जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स, और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स, और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट, जिम स्पेंसर, एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन, गीमा सैन, किन वॉटेनेब, स्ट्रगिल सिम्पसन, एलिसन जैनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर, ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन, जोए वॉकर, स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन, न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023, और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट, और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द US आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshua's wife. एलिजन जैनी एज कलोनल हॉवेल, एज कलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। केम वॉटेनेब एज हारून, एंड AI सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो, फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू, अ सिटीजन of a new Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Ralph Lane, a nation
एज अ जनरल एंड्रू और जनरल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशियो माइकल इस पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू एआई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हावेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी
ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलोंग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जानी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। कैम वाटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रोगिल सिम्पसन एज ड्र्यू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज शिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्र्यू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाना जान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हावेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेट्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग लिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टाइलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक AI सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशी। Cam Watanabe as Harun, an AI simulant soldier in New Asia and a former ally of Joshua. Strugil Simpson as Drew Joshua, former comrade and best friend. Amar Chadda Patel as Omni Sheikh on Sergeant Bio, a citizen of a New Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Ralph Lenison as General Andrews, a general in the US Army, who recruits Joshua. Michael Esper as a captain, the captain of Joshua's squad. Veronica Neko as Cammy Drew, AI simulant girlfriend. Mackenzie Lansing and Harrison. तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए AI को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग AI को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के AI प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी
नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हिज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल हॉवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मेंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज सिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य
वास्तुकार निर्माता की हत्या करना है, जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नोमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया, और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी, जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स, और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स, और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023, और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट, और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द US आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshi's wife. एलिजन जैनी एज कलोनल हॉवेल एज कलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशु। कैम वॉटेनेब एज हारून एंड AI सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशु। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशु फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू, अ सिटीजन of a new Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Ralph Lane, a nation
एज अ जनरल एंड्रू और जनरल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशियो माइकल इस पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू एआई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वास्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles along with the losing his parent and brother.
मेडेलिन यूना वॉलिश एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। कैम वाटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रोगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज शिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाना जान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड
और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेट एडवर्ड क्री हार्ट, जिम स्पेंसर, एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग लिए जॉन डेविड वॉशिंगटन, गीमा सेन, किन वॉटेनेब, स्ट्रगिल सिम्पसन, एलिसन जेनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर, ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन, जोए वॉकर, स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन, न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023, और इसका रनिंग टाइम है 1 hour 33 minutes, और ये हमारे इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 million और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 million। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द US आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha or Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshua's wife. Elijah Zani as Colonel Howell, as Colonel in the US Army who recruit Joshua. Cam Watanabe as Harun, an AI simulant soldier in New Asia and a former ally of Joshua. Strugil Simpson as Drew, Joshua's former comrade and best friend. Amar Chadda Patel as Omni Sheikh on Sergeant Bio, a citizen of a New Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army who is a part of Joshua's squad. Ralph Lenison as General Andrews, a general in the US Army who recruits Joshua. Michael Esper as a Cotton, the captain of Joshua's squad. Veronica Neko as Cammy, Drew, AI simulant girlfriend. Mackenzie Lansing and Harrison. तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है, जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है, जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल एयरस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है, जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डूक की तलाश करता है।
डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सैन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मेंसक एम सी ब्राइड अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज सिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज अ जनरल एंड्रू अ जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू एआई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ
टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नोमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए। टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया, और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी, जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स, और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स, और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट, जिम स्पेंसर, एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन, गीमा सैन, किन वॉटेनेब, स्ट्रगिल सिम्पसन, एलिसन जैनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर, ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन, जोए वॉकर, स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन, न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023, और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट, और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द US आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshi's wife. एलिजन जैनी एज कलोनल हॉवेल, एज कलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोसेफ। केम वॉटेनेब एज हारून, एंड AI सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोसेफ। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोसेफ, फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू, अ सिटीजन of a new Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad.
रॉबी टेन एज सिंपली अ सोल्जर इन द यूएसए आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ द सी स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशियो माइकल इस पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मैकेनिस लेंसिंग एन हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाना जान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हावेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी।
ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलोंग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जानी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। कैम वाटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रोगिल सिम्पसन एज ड्र्यू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज सिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्र्यू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एन हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हावेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेट एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेट्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेट एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेट एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टाइलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हिज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक AI सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉट एनेब एज हारून एंड AI सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्र्यू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक MC ब्राइड अ सोल्जर इन द US आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज शिपली अ सोल्जर इन द USA आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द USA आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्र्यू AI सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए AI को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग AI को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के AI प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी
नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग लिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग ड्यू टू इंजरीज हैज सफर्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन लॉस एंजलिस अलॉन्ग विद द लूजिंग हिज पेरेंट एंड ब्रदर। मेडलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल हॉवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। केम वॉटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मेंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज सिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज अ जनरल एंड्रू अ जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाना जान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य
वास्तुकार निर्माता की हत्या करना है, जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नोमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया, और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी, जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेट एडवर्ड्स, और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स, और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेट एडवर्ड, और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेट एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है September 29, 2023, और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट, और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshua's wife. एलिजन जैनी एज कलोनल हॉवेल एज कलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। कैम वॉटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू, अ सिटीजन of a new Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army, who is a part of Joshua's squad. Ralph Lane, a nation,
एज अ जनरल एंड्रू और जनरल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशियो माइकल इस पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू एआई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के और एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन पे दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेथ एडवर्ड क्री हार्ट जिम स्पेंसर एरन माइलचन और इसे स्टारिंग दिए जॉन डेविड वॉशिंगटन गीमा सैन किन वॉटेनेब स्ट्रगिल सिम्पसन एलिसन जैनी और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर ऑरेन सोफर और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन जोए वॉकर स्कॉट मॉरिस और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century स्टूडियो और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023 और इसका रनिंग टाइम है 133 मिनट और ये हमारे देश में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोशु टेलर और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द यूएस आर्मी ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड द लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles along with the losing his parent and brother.
मेडेलिन यूना वॉल्श एज अल्फा और जीरो अल्फिया और रोबोटिक एआई सिमुलेंट विद द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल टेक्नोलॉजी। गीमा सेन एज माया फी निर्माता द डॉटर एंड इनहेरिटर ऑफ द ओरिजिनल निर्माता द ट्यूटलर क्रिएटर एंड जोशी वाइफ। एलिजन जैनी एज कोलोनल होवेल एज कोलोनल इन द यूएसए आर्मी हु रिक्रूट जोशी। कैम वाटेनेब एज हारून एंड एआई सिमुलेंट सोल्जर इन न्यू एशिया एंड फॉर्मर एली ऑफ जोशियो। स्ट्रोगिल सिम्पसन एज ड्रू जोशियो फॉर्मर कॉमरेड एंड बेस्ट फ्रेंड। अमर श्रद्धा पटेल एज ओमिनी शीख ऑन सर्जेंट ब्यू अ सिटीजन ऑफ अ न्यू एशिया हु एज डोनेटेड हिज लाइकनेस टू मल्टीपल सिमुलेंट्स। मार्क मैंसक एम सी ब्राइट अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रॉबी टैन एज शिपली अ सोल्जर इन द यू एस आर्मी हु इज अ पार्ट ऑफ जोशिया स्क्वाड। रल्फ लेनेशन एज जनरल एंड्रू जनरल इन द यू एस आर्मी हु रिक्रूट जोशियो। माइकल इस्पर एज अ कॉटन द कैप्टन ऑफ जोशियो स्क्वाड। वेरनिको नेको एज कैमी ड्रू ए आई सिमुलेंट गर्लफ्रेंड। मैकेनिस लेंसिंग एंड हैरिसन। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य यूएस एनओएमडी यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डू की तलाश करता है। डू ने घोषणा की कि अल्फी मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द क्रिएटर मूवी के बारे में। द क्रिएटर 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं ग्रेथ एडवर्ड्स और इसे स्क्रीन प्ले दिए हैं गैरेथ एडवर्ड क्रिस वेड्स और इसे स्टोरी दिए हैं ग्रेथ एडवर्ड
और इसे प्रोड्यूस किए हैं ग्रेट एडवर्ड क्री हार्ट, जिम स्पेंसर, एरन माइलचन, और इसे स्टारिंग लिए जॉन डेविड वॉशिंगटन, गीमा सेन, किन वॉटेनेब, स्ट्रगिल सिम्पसन, एलिसन जेनी, और इसे सिनेमाटोग्राफी ने ग्रेग फ्रेशर, ऑरेन सोफर, और इसे एडिट किए हैंक क्रोविन, जोए वॉकर, स्कॉट मॉरिस, और इसे म्यूजिक दिए हैंस जिमर, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रीजेंसी इंटरप्राइजेस इंटरटेनमेंट वन, न्यू रीजेंसी बैड ड्रीम, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Studio, और इसका रिलीज डेट रहा है 29 September 2023, और इसका रनिंग टाइम है 1 hour 33 minutes, और ये हमारे इसमें बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है। इसका बजट है $80 million और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $104 million। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जॉन डेविड वॉशिंगटन एज सर्जेंट जोसेफ टाइलर, और मिलिट्री सर्जेंट एंड अंडरकवर ऑपरेटिव ऑफ द US आर्मी। ही हैज आर्टिफिशियल राइट आर्म एंड लेफ्ट leg due to injuries he suffered during the nuclear explosion in Los Angeles, along with the losing his parent and brother. Madeline Yuna Walsh as Alpha or Zero Alpha, a robotic AI simulant with the ability to remotely control technology. Gima Sen as Maya Fia Nirmata, the daughter and inheritor of the original Nirmata, the titular creator and Joshua's wife. Elijah Zani as Colonel Howell, as Colonel in the US Army who recruit Joshua. Cam Watanabe as Harun, an AI simulant soldier in New Asia and a former ally of Joshua. Strugil Simpson as Drew, Joshua's former comrade and best friend. Amar Chadda Patel as Omni Sheikh on Sergeant Bio, a citizen of a New Asia who has donated his likeness to multiple simulants. Mark Mansek, MC Bright, a soldier in the US Army who is a part of Joshua's squad. Robbie Tan as Shipley, a soldier in the US Army who is a part of Joshua's squad. Ralph Lenison as General Andrews, a general in the US Army who recruits Joshua. Michael Esper as a Cotton, the captain of Joshua's squad. Veronica Neko as Cammy Drew, AI simulant girlfriend. Mackenzie Lansing and Harrison. तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। 2055 में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक परमाणु हथियार का विस्फोट किया। जवाब में अधिकांश पश्चिम दुनिया के मानवता के विलुप्त होने का होने को रोकने के लिए एआई को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों का न्यू एशिया द्वारा विरोध किया जाता है, जिसमें पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है, जिसके लोग एआई को अपनाने अनजान जारी रखते हैं। अमेरिकी सेना का लक्ष्य USNOMD यानी उत्तरी अमेरिका ऑर्बिटल मोबाइल यूरोस्पेस डिफेंस का उपयोग करके न्यू एशिया के एआई प्रकृति के पीछे मुख्य वस्तुकार निर्माता की हत्या करना है, जो से विनाशकारी हमले शुरू करने में सक्षम अदृश्य स्टेशन है। लॉस एंजलिस के एक दशक बाद अमेरिकी सेना सर्जेंट जोशुआ टेलर अपनी गर्भवती पत्नी माया, जिसे निर्माता की बेटी माना जाता है, के साथ न्यू एशिया में गुप्त रूप से जब उनके घर पर हमला हुआ तो टेलर बेनकाब हो गया और नोमंड की हड़ताल के बाद माया को मृत मान लिया गया। 5 साल बाद टेलर, जो अब ग्राउंड जीरो क्लीन अप का क्रू का हिस्सा है, को जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल द्वारा अल्फा ओ के खिलाफ एक मिशन के लिए भर्ती किया जाता है, जो निर्माता द्वारा विकसित एक नए हथियार है जो नुमंड को नष्ट कर सकता है। माया के जीवित रहने का सबूत दिखाते हुए टेलर सहमत है। न्यू एशिया के एक परिसर में घुसपैठ करते हुए टेलर को एक युवा लड़की से के रूप में एक रोबोटिक स्मुलेट मिलता है, जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे अल्फी नाम देते हैं हुए टेलर हॉवेल की अवज्ञा करता है और अपने पूर्व कमांडर डूक की तलाश करता है।
डू ने घोषणा की कि अल्फिन मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। एक हमले के बाद डू की सबसे साथी प्रेमिका की मौत हो जाती है और डू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टेलर को पता चलता है कि माया निर्माता है। टेलर और अल्फी को हारून के नेतृत्व वाली नई एशियाई सेना ने पकड़ लिया और जो एक लड़ाकू सैनिक और टेलर का पूर्व सहयोगी था। हारून का कहना है कि लॉस एंजलिस में हुआ विस्फोट एक मानवीय भूल थी जिसके लिए एआई को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो केवल मानवता के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का इच्छा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।